اللهم صل على سيدنا محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري. اللهم انك رحيم رحيم. صلى الله تعالى على خير لا اله الا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. मोहतरम हज़रात सामिए किराम हाज़रीन महफ़िल प्यारे साथियों दोस्तों बुज़ुर्गों प्यारे पीर बच्चों उलमाए किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज हम सब लोग इस बाबरकत महफ़िल मिलादुन्नबी शरीफ में हाजिर हैं और अब के बारगाह में दुआ है या अल्लाह हम सब पर फजल करम और रहमत नाज़िल फरमा और हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह तस्बीह शरीफ को कबूल अता फरमा। मौलाना इस्माइल साहब हमेशा इस तरह एक प्रोग्राम से रखते हैं और इसमें थोड़ी सी देर के लिए हमारी हाज़िरी होती है। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह ताला इनके इस अमल खैर को कबूल मंजूर फरमाए। मौलाना मोहम्मद अहमद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, बहुत बड़े जैद आलिम दीन हैं, इनके बेशुमार हज़ारों की तादाद में माशाल्लाह इनके उलमा शागिर्द हैं और ऐसे उलमा अहले सुन्नत के लिए सर बुलंदी का सबब बनते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में और ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, इसमें कोई शुबा नहीं कि इनका इल्म और इनका वाज़ो नसीहत करना यकीनन यकीनन हम रब की बारगाह में यही जानते हैं इंशाअल्लाह मकबूल और मंजूर है और अल्लाह ताला इनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। प्यारे साथियों इन चंद बातों के बाद बेटा बैठ जाओ मेरी बात सुनो बाद में कर रहा हूँ। इन चंद बातों के बाद एक बात और उसका जवाब और फिर आगे रवानगी। प्यारे भाइयों आजकल एक बात बहुत ज़्यादा उठाई जाती है और बार बार दोहराई जाती है और कही जाती है, बस उसका सिर्फ जवाब देना है मुख्तसर अंदाज में और फिर आप लोगों से इजाज़त चाहनी है कि ये मिलाद शरीफ जो आप जो मनाते हैं ये कहाँ लिखा है। आप जो ये मिलाद जो करते हो कहाँ लिखा है, ये ग्यारहवीं कहाँ लिखी है, ये तीजा कहाँ लिखा है, ये चालीसवां कहाँ लिखा है, ये जुमेरातें कहाँ लिखी हैं, ये छठी शरीफ कहाँ लिखी है, ये उर्स कहाँ लिखी हैं। ए सुनियो तुम्हारा तो सारा का सारा मजहब ही किस्सा कहानियों पर महमूल है, तुम्हें तो दीन और कुरान और हदीस का पता ही नहीं है, भला बताओ ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हैं, कुरान की कौन सी आयत में आती हैं, हदीस पाक की कौन सी किताब में ये चीज़ें मौजूद हैं जिससे कि तुमने ये समझा हुआ है, अब ये साबित करो बताओ तो सही ये सब कुछ कहाँ लिखा है। प्यारे भाइयों भाई इससे एक चीज़ का जवाब देना है मुख्तसर अंदाज में, जरा देखिए और गौर फरमाइए। जब ये सवाल होता है कि भला बताओ ये कहाँ लिखा है तो मैं इतनी बात अर्ज कर देना चाहता हूँ कि ये फहरिस्त यहाँ ख़त्म नहीं हुई जहाँ तुमने ख़त्म कर दी है, इस बात को आगे चलाइए ताकि बात मुकम्मल हो जाए। ऐ सुनियो मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं बल्कि हर उस फिरके को अपने साथ मिलाकर ये सवाल करना चाहता हूं जिसने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए, असल चीज तो कबूल करना है। थोड़ा सामने आने देना
مولانا آپ درست ہو جائیں میری تقریر کے دوران تاکہ میں بھی متوجہ رہوں اور یہ متوجہ رہوں. ماشاء اللہ. نیچے اوپر بیٹھنے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا پیارے بھائیو. بزرگ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک بزرگ ہے. ان کنوا کو ان دلّہ اتقاکم. اصل چیز تو ہے دین کا سمجھنا اور دین پر عمل کرنا. پیارے بھائیو بات یہ ہے کہ بات لکھی ہوئی ہے, بات بار بار کہی جاتی ہے. بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے, میلاد کہاں لکھا ہے, چہروں کہاں لکھا ہے, تیجہ کہاں لکھا ہے, چالیسواں کہاں لکھا ہے, جمعراتیں کہاں لکھی ہیں. اے سنیو تمہارا تو سارا کا سارا مذہبی قصہ کہانیوں پر محمول ہے. بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے. میں یہ بات میں ہر اس فرقے والے کو اپنے ساتھ ملا کر بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں اے میرے ساتھیوں یہ فہرست جہاں ختم نہیں ہوئی جہاں تم نے ختم کر دی ہے, بات کو آگے چلاتے ہیں. جس نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس سے اس کو ساتھ ملا کر کہتے ہیں اس فہرست کو مکمل کرو. بات بہت مختصر ہے پیارے بھائیو, کوشش کروں گا 15 سے 17 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کروں. یہ بات ہے میرے کو 15 سے 17 منٹ میں بات کو مکمل کرنا ہے اور پھر میں نے آگے جانا ہے. دیکھو ذرا غور کرو یہ کہاں لکھا ہے, بتاؤ کہاں لکھا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ فہرست جہاں ختم نہیں ہوئی. اب مل کے سوال کرتے ہیں سارے فرقے والے میرے ساتھ مل جائیں, پھر ہم سوال کرتے ہیں اور ایک فہرست کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جتنی تھوڑی بہت اس مختصر وقت میں مقرر مکمل ہوتی ہے ہم اس کو ذرا بیان کرتے ہیں. اب سوال کرتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے, گیارہویں کہاں لکھی ہے, چھٹی کہاں لکھی ہے, تیجا کہاں لکھا ہے, چالیسواں کہاں لکھا ہے, یہ عرس کہاں لکھے ہیں, یہ جمعراتیں کہاں لکھی ہیں. پیارے بھائیوں یہ فہرست ختم نہیں ہوئی, بات چل رہی ہے. یہ مسجدوں کے وضو خانے کہاں لکھے ہیں, یہ مسجدوں کے مینارے کہاں لکھے ہیں, مسجدوں کے گنبد کہاں لکھے ہیں. فہرست چل رہی ہے پیارے بھائیوں, ختم نہیں ہوئی. یہ جو ایک حافظ کو بٹھاتے ہو اور جناب بچے بیٹھ کے رو میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں, بتاؤ بھلا بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے. یہ قرآن پاک چھاپ چھاپ کے تقسیم کرتے ہو یہ کہاں لکھا ہے. اب یہ تو بتاؤ قرآن پاک کے جو بے شمار تراجم تم نے کیے ہیں یہ کہاں لکھا ہے. یہ ساری چیزیں کہاں لکھی ہیں بھلا بتاؤ تو صحیح. یہ دروس قرآن کہاں لکھے ہیں, یہ ہر ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا نا. فہرست پیچھے ختم نہیں ہوئی. اے سنیو تم بڑے بھولے بھالے ہو, فہرست کو آگے چلاؤ. ان سے پوچھو کہ یہ مدارس کے اندر جو درس نظامی پڑھاتے ہو یہ تو کتابیں لکھنے والے یہ 500 سال 600 سال 700 سال پرانے لوگ ہیں, یہ کہاں لکھا ہے. یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی, کتابیں نہیں تھیں, اس طرح کے مدارس نہیں تھے, یہ سب کچھ کیا کہاں لکھا ہے بھلا بتاؤ. یہ بڑے بڑے مدارس کہاں لکھے ہیں یہ ساری, اور یہ تو چلو اور کہیں نہیں جاتے ہو, یہ بتاؤ کہ کٹے کا گوشت اور بھینس کا دودھ کہاں لکھا ہے. سمجھا تو ہر چیز کے بارے میں سوال کیے کہاں لکھا ہے. مہربانی بزرگ آتے ہیں, اب کوئی کھڑا نہ ہو اپنی جگہ, مہربانی فرما کے بیٹھے میں بات عرض کرو, میری بات سنو. ہاں بھی بتاؤ بھائی یہ کہاں لکھا ہے, بتاؤ کہاں پر لکھا ہوا ہے. ہر شخص سے سوال ہوتے میرے کو, مہربانی فرما, بہت مہربانی. اس سے سب شروع ہو جائیں, میں میرے پاس وقت ہے تھوڑا, میں اپنی بات بیان کرنا چاہتا ہوں. مہربانی سوال, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کی حسد کے خیرات کو قبول و منظور, اللہ قبول کرنے والا ہے. جس کو اللہ نے قبول کر لیا وہ مقبول ہو گیا, جس کو اللہ نے نامنظور کر دیا وہ نامنظور ہو گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اللہ پیارے ساتھ ذرا غور سے سنیے, 24 توجہ فرمائیے گا. بھلا بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے, یہ ساری ہر چیز کے بارے میں. ارے یہ وہاں پر ختم نہیں ہوگی فہرست, یہ ساری چیزوں کے بارے میں بات چلے گی نا. نہیں جناب نہیں, آپ نے خامہ خواہ کے لیے آپ نے بھینس کے دودھ اور کٹے کے گوشت کو خامہ خواہ شامل کر دیا ہے, اس کا تو ذکر ہی نہیں. ہم تو دین کی باتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکالی ہیں, یہ کہاں لکھا ہے, یہ ساری چیزیں کہاں لکھی ہوئی ہیں. ہاں اگر یہ اگر بات ہے تو پیارے ساتھیوں, اگر یہ کھانے پینے کی چیزیں اگر دین سے متعلق نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے, بکری کی جگہ کتے کو ذبح کر کے کھا لو, کیا فرق پڑتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. پیارے بھائیو اگر کھانے پینے کی چیزیں اگر دین سے تعلق نہیں رکھتی ہیں تو یہ سب یہ کیا ہے, کیا مسئلہ لکھا ہے. آپ ذرا دیکھو ذرا غور کرو پیارے ساتھیو. بات اصل میں یہ ہے کہ اگر یہ حلال اور حرام کی چیزیں کھانے پینے کی چیزوں کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے تو رشوت بھی کھاؤ, سود بھی کھاؤ, حلال سمجھ کے کھاؤ, کیا فرق پڑتا ہے. ارے نہیں نہیں, ہر ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا, بھلا بتاؤ یہ کہاں پر لکھا ہے. ہر ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا, صرف میلاد اور گیارہویں اور تیجہ اور عرسوں تک معاملہ ختم نہیں ہو جاتا ہے. یہ بڑے بڑے یونیورسٹی اور یہ نور اکیڈمی اور الہدا اکیڈمی, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے. ہر ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا نا. سینئرز کا تم ہی جواب دیتے رہو گے, ان سے بھی تو پوچھو نا, بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے, ہمیں بھی تو جواب دو نا کہاں لکھا ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟
हर चीज के बारे में पूछा जाएगा साहब, ठीक है ना, हर चीज के बारे में पूछा जाएगा, ये नहीं है। सुनिए, तुम ही जवाब देते रहोगे मरने गिर जाएगा, तुम ही जवाब देते रहोगे भला बताओ ये कहाँ लिखा है, उनसे भी तो पूछो ना ये कहाँ पर लिखा है, हमें भी तो जवाब चाहिए ना ये कहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ हम बताएंगे कहाँ लिखा है। सुनिए, हम बताएंगे ये कहाँ लिखा है, हम बताएंगे कहाँ लिखा है। तो हम तुमसे पूछते हैं बताओ कहाँ लिखा है। प्यारे भाई, जहां पर ये मस्जिद के वुजू खाने लिखे हैं ना, उसी के ऊपर मीनादुन नबी शरीफ लिखा हुआ है। जहां पर ये मस्जिद के मीनार, मस्जिद नबी शरीफ के जमाने में, मेरे आका के जमाने में क्या मस्जिद नबी शरीफ का कोई मीनार था? नहीं था ना। बताओ ये कहाँ लिखा है। प्यारे भाई, जहां ये लिखा है उसी के ऊपर मीनादुन मुसा शरीफ लिखा हुआ है। जहां पर ये गुंबद लिखे, मेरे आका के जमाने अकबर में तो सिर्फ खजूरों की छड़ियों की छत मुबारक थी, ये गुंबद नहीं थे। प्यारे भाइयों, जहां पर गुंबद लिखा है उसी के ऊपर मीलादुन नबी शरीफ भी लिखा हुआ है। जरा पढ़ के देखो तो सही ना, वहीं पर ये सारी चीजें मिलेंगी। जहां पर ये हाफिज बैठ के और अपने तुलबा को पढ़ाता है, जहां ये लिखा है ना, ये जायज है, ये बिदत और हराम नहीं है। प्यारे भाइयों, वहीं पर मीलादुन नबी शरीफ भी लिखा हुआ है, उसी किताब में लिखा है, उसी किताब के ऊपर ऊपर सुनहरी हरूफ में लिखा हुआ है। जरा पढ़ के देखो, मिल जाएगा तुम्हें। प्यारे भाइयों, जरा देखो, गौर तो करो। जहां पर ये कुरान पाक को छाप छाप के तकसीम करना और तर्जमे करना और दूसरे कुरान देना, जहां पर लिखा हुआ है ना कि ये बिदत नहीं है, ये जायज है, ये सारा काम दुरुस्त है, उसी के ऊपर ग्यारह शरीफ भी उसी के ऊपर लिखी हुई है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर लिखा है, कहीं और नहीं लिखा हुआ। ये क्या मतलब हुआ कि नहीं जनाबी अली, ये तो ही नहीं जनाबी अली, आपने इसी तरह की बात कर दी, भैंस की बात खामा खा कर भी ले आए थे, भैंस तो चरने वाला जानवर है, चरने वाला जानवर जो है वो हलाल होता है, आपने खामा खा ही बात कर दी है, कट्टा चरता है वो चरने वाला जानवर हलाल होता है, इसलिए हलाल है। अगर चरने वाला जानवर अगर हलाल है तो गधे को भी खा लो, गधा भी तो चरता ही है ना, ये गोश्त खाता है। मुझे फेरोजा के गधों से कोई वास्ता नहीं पड़ा। प्यारे भाइयों, वहाँ के गधों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ के गधों से मुराद आप समझ रहे हैं मेरी बात। प्यारे भाइयों, वास्ता हकीकी गधा जो है वो तो सिर्फ घास ही खाता है, वो गोश्त नहीं खाता, ठीक है ना। प्यारे साथियों, गोश्त नहीं, गधा चरता है नहीं चरता, चरता है ना, जो चरने वाला जमा हराम है इसको भी खा लो। नहीं जना, मेरी बात यह है कि गधे को तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने हराम करार दे दिया ना, खैबर के मौके पर मेरे आका ने फरमाया गधा भी हराम है और मुता भी हराम है, जब मेरे आका ने इसको हराम कर दिया तो इसलिए हराम है। अरे हम भी तो यही कहते हैं कि दीन हराम चीजों की फहरिस्त देगा, हलाल चीजों की फहरिस्त नहीं देगा, कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा भैंस का हलाल है खा सकते हो, क्योंकि दीन हलाल चीजों की फहरिस्त नहीं देगा, और ये दीन ये नहीं बताएगा कि भैंस का दूध जो है वो हलाल है, हलाल चीजों की फहरिस्त नहीं देगा, दीन बताएगा गधा हराम है मत खाओ, हराम चीजों की फहरिस्त मिलती है। तुम हमसे हलाल चीजों के बारे में फहरिस्त मांगते हो, ये दीन नहीं देता है, दीन हराम चीजों की फहरिस्त देता है, हलाल चीजों की फहरिस्त नहीं देता। फिर मैं बात समझ आई नहीं आई आपको, ठीक है ना। आप जरा देखो, जरा देखो, जरा गौर करो, ये शादी की कार्ड, शादी की कार्ड होते नहीं होते, होते हैं ना, छपते हैं, ठीक है नहीं, ये तो जायज हो गए। शादी की कार्ड ये हुजूर के जमाने में थे कि खातून जन्नत रजी अल्लाह तआला के अहले जन्ना की शादी मुबारक हुई थी, मेरे आका ने कोई कार्ड छपाया था, कोई तहरीर लिख कर दी थी, भिजवाई थी साहब कराम की तरफ, भैया आज मेरी बेटी का निकाह है, हजरत तेरी हैदर करार के साथ आ जाओ। क्या भाई कोई शादी का कार्ड गया था? प्यारे भाइयों, अगर गया था तो उसका नमूना हदीस में होना चाहिए, हमें भी तरह पता चले ना कि वो कार्ड के ऊपर क्या कोई लिखा हुआ था। प्यारे भाइयों, शादी का कार्ड जो है, अरे नहीं तो शादी दुनियावी मामला है, अरे दुनियावी मामला कहाँ है? मेरे आका ने फरमाया अन्न निकाहो मिन सुन्नती फमन रगबान सुन्नती फले समिन्नी, ये तो सुन्नत तरीका है। प्यारे भाइयों, सुन्नत भी दुनियावी मामला हो गया तो बाकी दिन रहेगा क्या, बताओ तो सही। ये खामा खा की बातें और कुछ भी नहीं। शादी के कार्ड जायज हो गए। प्यारे भाइयों, आप जरा गौर करो, ये मुझे बताओ कि क्या ये लड़की की तरफ का खाना मेरे आके के जमाने में हुआ करता था? जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने जब हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला की जब शादी की थी, क्या खाना दिया था? किसी हदीस में आता है हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटी की शादी जब अल्लाह के नबी के साथ किया तो खाना भी लोगों को खिलाया और खाना दिया था। प्यारे भाइयों, कोई चीज साबित नहीं है। जो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला के सामने
हमारी हजरत मुर्मू ने हजरत हफ्ता की जब शादी मेरे आका के साथ हुई थी, क्या हजरत उमर ने खतानियों को खाना दिया था? अरे नहीं नहीं, लड़की की तरफ का खाना कोई साबित नहीं है, वलीमा साबित है, वलीमा सुन्नत है। प्यारे भाइयों, मेरे आका के वलीमों का जिक्र आता है, लड़की की तरफ के खानों का जिक्र नहीं आता। आप जरा गौर तो करो, शादी के कार्ड भी जायज हो गए, शादी की दरिया भी जायज है, शादी का स्टेज भी जायज है, शादी के सोफे भी जायज है, शादी की कुर्सियां भी जायज है, शादी का खाना भी जायज है, शादी पर आके पैसे दो तो वो भी जायज, अगर ना दो तो कहो बड़ा कंजूस बंदा आया था, खाना भी खा गया, पैसे भी नहीं देकर गया। ठीक है ना प्यारे भाई, ये सारी चीजें जायज हैं, लेकिन जब मीनाक्षी का इश्तिहार शायद होते, ये इसराफ है, ये नाजायज है, हराम है। अरे दिन का काम खाम खागली करते, हुजूर ने फरमाया कि हाँ ये बिदत है और नई चीज है और बिदत है और हराम है। प्यारे भाइयों, आप गौर तो करो कैसी बात करते हो, यानी शादी के कार्ड जो है वो जायज हो गए, मीनाक्षी का इश्तिहार नाजायज हो गए, शादी की दरियाँ जायज हो गई, मीनाक्षी की दरियाँ नाजायज हो गई, शादी के सोफे जायज हो गए, मीनाक्षी के सोफे नाजायज हो गए, शादी की कुर्सियाँ जायज हो गई, मीनाक्षी की कुर्सियाँ नाजायज हो गई, शादी का खाना जायज हो गया, मिलाद मुबारक का नाजायज हो गया, शादी के पैसे जो हैं वो जायज हो गए, नाथ खानों के वेले हराम हो गए। प्यारे भाइयों, ये दीन हमारी समझ में नहीं आता है, ये कैसा दीन है? जो तुम्हें सही लगे वो सही, जो हमें सही लगे वो गलत, जो तुम करो वो दुरुस्त, जो हम करें वो गलत। मीठा मीठा हबब, कड़वा कड़वा थूतो, जो हम तुम्हें खा दो, तुम्हें अच्छा लगे तुम खा जाओ, जो हम करें वो गलत। अरे दीन इस तरह नहीं चलेगा, सीधी तरीके से बताओ बताओ ये कहां लिखा है? जरा करने की बात नहीं, तकलीफ सुनने की बात हो रही है। तेरे भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही है आपको? ठीक है ना, बताओ ये कहाँ लिखे, उनसे भी पूछो ना, लेकिन हम बताएंगे कहाँ लिखे, हम बताएंगे इंशाल्लाह, हम बताएंगे कहाँ लिखा है। अच्छा जी, कहाँ लिखा है? प्यारे भाइयों, एक हदीसे पाक, उसका जवाब, बात खत्म। तफसीर इस पर तो बड़ी मेरी लंबी लंबी तकरीर हुई है, बिदत के मौजू पर दो दो घंटे की तकरीरें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई, उस तरफ नहीं जाता ना वक्त है, इधर अभी सराजनू वाले मेरे इंतजार में बैठे हैं, मुझे फौरन निकलना है यहाँ से बाहर। मैं तो बुखवाद मुख्तसर अंदाज में कर रहा हूँ, वाला बताऊँ कहाँ लिखा है? पहले तो उनसे पूछो ना कहाँ लिखा है, वो नहीं बता सकते। अगर बताएंगे प्यारे भाई तो फंस जाएंगे, फिर ये सारे मीनाक्षी भी जायज हो जाएगा, फिर ग्यारह शरीफ भी जायज हो जाएगी। प्यारे भाई, फिर हर चीज जब वो जायज होगा ना, जबकि मीनार और गुंबद जब जायज होंगे, जब ये बड़े बड़े वजू खाने जायज हो जाएंगे, बड़े बड़े ये क्लास रूम जायज हो जाएंगे, प्यारे भाई ये सारा दिन का काम है, ये दरस निज़ाम भी जायज हो जाएगा, तो मीनाक्षी भी खुद तो खुद ही जायज हो जाएगा। प्यारे भाई, वो नहीं बता सकते कहाँ लिखा है, हम बताएंगे कहाँ लिखा है। बस में आ रही है नहीं आ रही है? अब जरा देखो, जरा गौर करो प्यारे भाइयों, हम बताते कहाँ लिखा है। जंग जमामा हो रही है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत, वहाँ पर हम ख़त्म नबूवत की जंग, माशाल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मैंने डांडा साहब तबरेरी निकाली है, हाँ ऐसे बात नहीं है, चौधराडला मौली साहब जानता हूँ, हमारे पीर भाई हो, दूर की बात नहीं है। यारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मौलाना हमारे पीर भाई, हमारे बड़े महबूब पीर भाई अल्हम्दुलिल्लाह, इनके साथ ही मौलाना हबीब हबीबुल्लाह साहब हुआ करते थे, हबीब हबीब साहब हुआ करते थे, अल्लाह ताला उनको घर की रहमत फरमाए, वही बड़े प्यारे पीर भाई। ये शाह साहब ये हमारे पीर भाई बैठे हैं, मेरा ये मौलाना भी हमारे पीर भाई बैठे हैं। प्यारे भाई, गजाली जमा का बड़ा बड़ा फैजान है, मैं भी उन्हीं का मुरीद हूँ, मैं भी किसी और का मुरीद नहीं हूँ। यानी भाई बात असल में ये है, जंगे जमामा हो रही है, मेरे आका की 23 बरस की इजहार नबूवत की जिंदगी, उसमें कुल 286 सहाबा शहीद हुए, कुल बस इस एक जंग जमामा में जो खत्म नबूवत के लिए लड़ी गई, जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, सारे सहाबा और ताबीन इकट्ठे हो गए, नहीं मानेंगे किसी और का नबी, नहीं मानेंगे किसी और को नबी, सिर्फ हमारे नबी आखिरी नबी, उनके पास कोई और नबी नहीं आ सकता, कोई और नबी नहीं आ सकता, कोई और नबी पैदा नहीं हो सकता है। अब जनाब सहाबा कराम निकले ऐसी अजीम शान जंग की, कि उस एक जंग में मेरे आका की पूरी 23 बरस की इजहार नबूवत की जिंदगी मुबारका में 286 सहाबा शहीद हो रहे हैं, और उस एक जंग के अंदर 1200 सहाबा और ताबीन शहीद हुए। प्यारे भाइयों, जिनमें 70 बदरी सहाबा थे, मैदान बद्र में कुल 14 सहाबा शहीद हुए, बदरी सहाबा कुल 14 शहीद हुए, और यहां पर 70 बदरी सहाबा शहीद हो रहे हैं।
सहाबा कराम ने सोचा कहीं हम अपने आपस में एक दूसरे को तो कहीं कत्ल नहीं कर रहे। अरे देखो तो सही, जिनसे हमारा मुकाबला है वो भी अरबी बोले, हम भी अरबी बोले, उनकी भी अरबी अरब लिबास, हमारे भी अरब लिबास, उनके भी सर पे इमाम है, हमारे सर पे उनके मुंह पर भी दाढ़ियां, हमारे मुंह पर सुन्नत मुस्तफा। ऐसा नहीं हो और शाकान के मुंह पर क्या होती है, सुन्नत मुस्तफा होती है, मोहन्ना की सुन्नत मुस्तफा है, दाढ़ी नहीं है, सुन्नत मुस्तफा है, हमारे मुंह पर सुन्नत मुस्तफा, उनके मुंह पर दाढ़ियां, देखने में तो एक जैसे लगे, कहीं आपस में एक दूसरे को कत्ल तो नहीं कर रहे, हमारा कोई हमारा कोई निशानी है, निशानी होनी चाहिए। अब निशानी क्या होनी चाहिए, जब 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 के जंग लड़ी जाने लगी, अब क्या भी जवार करता था, प्यारे भाई जंग जब होने लगी तो हुआ क्या, अब सहाबी जब वार करता था तो क्या कहता था, वार करते हुए कहता था या मुहम्मद, ये कहकर वार करता था। प्यारे भाइयों ये तो या मोहम्मद का नारा, तो सहाबिया का नाम का जंगों का नारा है। आलमी मरीज ने शुरू किया था जंग इमामा में। प्यारे भाई जरा देखो, जरा गौर करो, उस जब यहाँ पर जंग हो रही है, अब यहाँ वहाँ पर मुसलसल खारी और हाफिज शहीद हुए चले जा रहे हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला मिलती है, आप सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं लिल्लाह हुज़ूर कुरान को जमा करने का हुक्म दीजिए, वरना हम कुरान पाक के बहुत बड़े हिस्से से महरूम हो जाएंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया, उन्होंने फरमाया कैफ तफ़अलू मा लम यफ़अलहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए उमर आप वो काम कैसे कर सकते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। सैयद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने क्या जवाब दिया, कहा हाज़ा वल्लाहि खैर, हुज़ूर कसम खुदा ये खैर है इसलिए करने के लिए। उसके बाद फिर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने फिर यही बात दोहराई, यूं भी आता है कैफा फलो मालम या फलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काम मैं कैसे कर सकता हूं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। फिर सैयद उमर बिन खत्ताब ने जवाब दिया हाज़ा वल्लाहि खैर, बार बार की तकरार के बाद सैयद सिद्दीक़ अकबर ने क्या जवाब दिया, उन्होंने फरमाया शरह अल्लाह सदरी बिमा शरह सदर उमर, अल्लाह ने मेरे सीने को उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए उमर के सीने को खोला था। प्यारे भाई आप जरा गौर करो, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कुरान पाक जमा हो रहा है किस सूरत में, इस सूरत में, किताबी सूरत में, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जमाने अकदस में, मेरे आका के जमाने में ये काम नहीं हुआ था, ठीक है ना। नहीं जी बात यह है कि जो काम खिलाफत राशिदा में हुआ है वो तो ठीक है, इसके अलावा ठीक नहीं है। चलो भाई इससे एक कदम मैं भी आगे नहीं बढ़ाता, तुम भी आगे ना बढ़ाओ, इस बात पर आके रुक जाते हैं, टिक जाते हैं, जो काम खिलाफत राशिदा में हुआ, जो कवानीन और ज़वाबित उस वक्त तय हुए, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, कोई नया काम नहीं करेंगे, जो भी नया काम उसके अलावा होगा वो हराम होगा, नाजायज होगा, हम उसके करीब भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल इस एक ज़ाबते पर आके हम लोग टिक जाते हैं, इस ज़ाबते पर आके टिक जाते हैं, ठीक है ना। जो काम खिलाफत रास्ता में हो उससे आगे नहीं बढ़े, इस पर तो इत्तेफाक हो सकता है ना। मेरे आका ने फरमाया अलैकुम सुन्नती व सुन्नतुल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, इस बात पर इत्तेफाक हो सकता है ना, जब इस बात पर इत्तेफाक हो सकता है तो अब जरा गौर से सुनो। प्यारे साहब हज़रत उमर बिन खत्ताब ने क्या जवाब कहा था, जवाब उन्होंने कहा था हाज़ा वल्लाहि खैर, हुज़ूर कसम बखुदा ये खैर है इसलिए कर जाइए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने एक ज़ाबता पेश किया था, उन्होंने कानून पेश किया था कि हुजूर जिस काम के करने में खैर हो उस काम के करने में कोई मुज़ायका नहीं होता, इस काम को कर जाइए। उन्होंने एक ज़ाबता और कानून पेश किया, ये वो ज़ाबता और कानून नहीं है जो सिर्फ हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने कहो, बल्कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी ने भी इस इत्तेफाक फरमाया, अरे ये वो ज़ाबता और कानून है जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी इसमें शामिल हैं, और फिर आप ही शामिल नहीं है, आपने फरमाया शरा अल्लाह सदरी बिमा शरा सदर उमर, अल्लाह ने मेरे सीने को उस काम के लिए खोल दिया जिस काम के लिए उमर के सीने में खोला था, अरे ये वो ज़ाबता और कानून है जो अल्लाह की तरफ से आया हुआ है कि जिस काम के करने में खैर हो उस काम के करने में कोई मुज़ायका नहीं होता है। अब कोई आदमी आपसे पूछता है मीना सिंह क्यों करते हैं, आप क्या जवाब दोगे, आप क्या जवाब दोगे, आप कहोगे इसमें कुरान पाक की तिलावत होती है,
इसमें नात पाक होती है, इसमें हुजूर की तारीफ होती है, अल्लाह की हम्द सना बयान होती है, इसके अंदर लंगर होता है, ख़त्म शरीफ होता है, इसलिए क्या कहोगे हुवा वल्लाह खैर। ठीक है? नहीं, आप ये सारी चीज इकट्ठी जो कर देते हो ये ठीक नहीं है। ये अजीब बात है, ऐसे भोंडे इतराजात जो किसी अकलमंद आदमी की समझ में नहीं आते। अच्छी सारी चीजें इकट्ठी किसी बंदे में जमा हो जाए वो तो काबिल तारीफ हो जाता है, कहते तो नहीं एक ही सिफत अच्छी होनी चाहिए दूसरी नहीं होनी चाहिए। हाफिज हो तो हाफिज हो, आलिम नहीं होना चाहिए, आलिम हो गया तो इकट्ठी होगी बिदत हो जाएगा। अच्छा ये मुझे बताओ, दूध हलाल है, पानी हलाल है, बाग पानी ठीक है, पत्ती चीनी पकना उसका ठीक है, अब बना कर चाय बना के वो तो गड़प करके पी रहे तो वो तो जायज हो गई है, ये मिला से सभी अच्छी चीज इकट्ठी हो गई है, ये नाजायज हो गया, क्या दीन है समझ में नहीं आता मेरे। ये दीन हमारी समझ में नहीं आता, किसी भी साहिब बसीरत साहिब किसी भी अकलमंद बंदे की अकल में ये दीन नहीं आएगा जो उन्होंने बनाया हुआ है। ये चीज नाजायज है, दिखाओ कहाँ लिखा है, दिखाओ कहाँ लिखा है, फिर सारी फेरी गिनवाओ ना, बताओ ये सारी चीजें कहाँ लिखी है। और प्यारे भैया कोई आपसे पूछो कि आप ग्यारहवीं क्यों करते हो, आप कहोगे हुआ वल्लाह खैर। नहीं जी, बात यह है कि ये बिदत है और ये ठीक नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लु मुहदसतिन बिदा, हर नई बिदत है। प्यारे भाइयों, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने जब तरावी को इकट्ठा कर दिया, उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला के पीछे, हज़रत सईद उबई बिन काब के पीछे सारे सहाबा खड़े हो गए, सहाबा तामीन, आपने फरमाया नेमल बिदत, कितनी अच्छी है ये बिदत, फरमाया नहीं फरमाया, फरमाया ना, तो ये तरावी ये बिदत होने के बावजूद अच्छी हो गई। नहीं जी, बात यह है कि तरावी तो सुन्नत है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, हुजूर ने तीन दिन रमजान शरीफ में तरावी पढ़ाई, सुन्नत है भाई। तू तो सुन्नत कहता है, हज़रत उमर बिन खत्ताब ने इसको बिदअत फरमाया, बता तेरी बात मानू उनकी बात मानू किसकी बात मानू। चलो भाई दोनों की बात मान लेते हैं, तुमने सुन्नत कहा तेरी बात मान लेता हूँ, उन्होंने बिदअत फरमाया वो वाजिब भी मान लेता हूँ, क्योंकि तरावी का तीन दिन पढ़ाना ये भी बुखारी में साबित, आपका बिदअत फरमाना ये भी तरावी, ये भी बुखारी शरीफ में साबित। ठीक है जी, दोनों बातें मान लेता हूँ। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बाद बिदतें भी सुन्नत होती हैं। तो हर बिदत को हराम कहता है, कोई तो हया कर ले। बाद बिदतें सुन्नत भी होती हैं। नहीं जी, वो तो हुजूर ने सलातो सलाम ने फरमाया ना कुल्लो मुहदसतिन बिदा को कुल्लो बिदतिन दलाला कुल्लो दलाला फिन्नार, हर नई चीज बिदत है, हर बिदत गुमराही है। अरे नई चीज से मुराद तो लोग, नई चीज का मतलब क्या है? नई चीज का मतलब यह है जिसका दीन मुखालफत करे वो नई चीज हराम है, जिसकी दीन मुखालफत नहीं करता वो चीज जायज है, कर लो कोई हर्ज नहीं है। भाई कोई ऐसा नया काम दिखाओ जो कि दीन में हो और नया हो और नाजायज हो, तो तुम बताओ, तुम तो जो भी नया काम करते हो सारे तुमने बनाए हुए खाम खा के लिए, जिसकी दीन मुखालफ करता हो, कौन सा काम नया ऐसा जिसकी दीन मुखालफ करता है? यार भाई हाँ दिखाई देते हैं, कोई मसला नहीं। ये मुझे बताओ, ये शियों ने मातम शुरू कर दिया, मेरे आका ने फरमाया मन तरब खुदूद व शक्कल जुजू फने समन्ना, जिसने नुकसान पीटे गिरबान चाक किया वो हमने से नहीं, दीन ने मुखालफत की उन्होंने शुरू कर दिया, फिर क्या हुआ? मेरे आका ने उन्हें कुल मुहदसतिन बिदा, हर नई चीज बिदत है, ये दीन मुखालफत कर रहा है। प्यारे भाई मिलाद मुस्तफा की क्या मुखालफत हुई है? कहां पर है जो मुखालफत हुई, दिखाओ तो सही। कुरान पाक के बार बार अंबिया की पैदाइश के दिन पर सलामती भेजी जा रही है, अंदाजा तो करो, अंबिया के दिन पर सलामती भेजी जा रही, पैदाई के दिन पर सलामती भेजी जा रही, कौन सी मुखालफत होती है? ये खामखा की बातें हैं, कुछ नहीं। प्यारे भाइयों, दूसरों की बातें मत आओ, कहने के लिए बहुत कुछ बाकी है। उस तरफ की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह हम सब पर फजल करम फरमा। एक कायदा जहन में रखो, कायदा ये है दीन हलाल चीज़ों की फहरिस्त नहीं देता है, हराम चीज़ों की फहरिस्त देगा, वरना तो कट्टे का गोश्त कभी भी जायज़ नहीं खर्च कर सकोगे, और वरना तुम्हारी चाय बंद हो जाएगी। भैंस का दूध तुम कैसे हलाल करोगे बताओ तो सही, ये कहाँ लिखा हुआ है बताओ तो सही। दीन हलाल चीज़ों की फहरिस्त नहीं देता है, हराम चीज़ों की फहरिस्त देता है। तुमने हमसे हलाल चीज़ों की फहरिस्त तलब करना शुरू कर दी, ऐसा करना खुद एक बिदत है और क्या है। रब की बारगाह में दुआ, या अल्लाह हम सब पर फजल करम फरमा, या अल्लाह हम सब गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा, या अल्लाह हमारे चौबीसा को दुआ फरमाए, अल्लाह तआला पर फजल करम फरमाए, रहमत फरमाए, मौलाना की खैर हो, तमाम सादात की खैर हो, तमाम उलमा की खैर हो, तमाम मेरे भाइयों की खैर हो, तमाम मेरे दोस्तों की खैर हो, या अल्लाह हम सब पर इनाम इकराम नाज़िल फरमा। आमीन आमीन आमीन।